नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल आईसीटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग के लिए नेशनल स्कॉलरशिप रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे असम स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप असम के रहने वाले हैं, एसटी एससी ओबीसी में बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, आप सभी स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप ओपन हो चुका है। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, न्यू रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि कब तक लास्ट डेट है, कब तक इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है, कब तक आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल वेरिफिकेशन का लास्ट डेट, और कब तक रिन्यूअल और न्यू रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक सभी स्टूडेंट के लिए बात करूंगा, तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा। वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नया नया कोई भी अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये नेशनल स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप लोग का स्कॉलरशिप अप्लाई होगा। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे, वो स्टूडेंट न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो पिछले साल अप्लाई किए तो वो लोग लॉग इन में जाकर रिन्यूअल में अप्लाई करेंगे। अभी बात करता हूं कि आप लोग का डेट कब तक है, लास्ट डेट और सभी इंपॉर्टेंट डेट्स। तो देख सकते हैं स्टेट स्कीम में आप लोग को चेक करना है यहां पर, और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग आके अपना स्कॉलरशिप का डिटेल्स को जान सकते हैं। अभी आप लोग देख लीजिए कि कब तक आप लोग का लास्ट डेट है। तो देख सकते हैं असम सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट 9-10 में, इन लोग का पहले ही स्कॉलरशिप ओपन था, ठीक है। इसका लास्ट डेट 30/10/2021 तक है, जिसका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट 15/11/2021 तक है। और उसके बाद बात करता हूँ असम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी स्टूडेंट का, इसका भी पहले ही ओपन हो चुका, 30 नवंबर तक यहाँ पर लास्ट, या 30 अक्टूबर तक लास्ट डेट है स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई करने का। और जो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है वो 15 नवंबर तक है। उसका नया जो ओपन हुआ ये स्कॉलरशिप देख सकता है असम के प्री मैट्रिक ओबीसी स्टूडेंट, उसके बाद एसटी स्टूडेंट ओबीसी, फिर एसटी स्टूडेंट, मतलब ऐसा स्टूडेंट जो असम के रहने वाले ओबीसी में आते हैं, और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मतलब क्लास 1 से लेके 10 तक का जितने स्टूडेंट है ओबीसी में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक मतलब 10th के बाद 11, 12 डिप्लोमा, आईटीआई, ग्रेजुएशन, जो भी कोर्स कर रहे स्टूडेंट ओबीसी स्टूडेंट जो असम के, उन लोग का भी स्कॉलरशिप ओपन हो चुका है। ऐसे ही एसटी कैटेगरी का भी असम के स्टूडेंट प्री मैट्रिक का ओपन हो चुका है, और एसटी स्टूडेंट असम के पोस्ट मैट्रिक का भी ओपन हो चुका है। इन लोग का लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट 20 नवंबर 2021 तक है, और आपका इंस्टीट्यूट लेवल वेरिफिकेशन का लास्ट डेट 28 यहाँ पर देख सकते हैं डिफेक्टिव 28 नवंबर तक लास्ट डेट है। डिफेक्टिव करने के बाद इंस्टीट्यूट का टोटल फाइनल वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट का फॉर्म का 30 नवंबर 2021 तक है। यानी कि जो स्टूडेंट असम से बिलोंग करता है, एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक सभी स्टूडेंट का स्कॉलरशिप निकल चुका है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि हाँ असम स्कॉलरशिप के अप्लाई करने का वीडियो बनाए, तो मैं आप लोग के लिए एक वीडियो भी बना दूंगा। वैसे बहुत सारा नेशनल स्कॉलरशिप का अप्लाई करने का वीडियो बना चुके हैं, आप लोग ये सब वीडियो को देखिएगा, सेम प्रोसेस है, उसको भी देख के अप्लाई कर सकते हैं।